नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और टेक एड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप यूरेका और यूरेका प्लस में साइनोजेन का 12.1 ऑफिशियल जो रोम कल रिलीज़ हुआ है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इंस्टॉल करें। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ये यूरेका और यूरेका प्लस दोनों में ही एक है। तो मैं अभी भी अब मेरा यूरेका को यूज़ करूँगा, लेकिन आप अपने यूरेका प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे कि देखेंगे कि मेरी जो यूरेका की एंड्रॉयड वर्जन है वो है 5.0.2, आप देख सकते हैं। साइनोजन का जो ओएस वर्जन है वो है 12.0YNG1TAS1K0, जो साइनोजन का एक 12.0 का वर्जन है। हम इससे जाएंगे 12.1 में हम लोग अपडेट करेंगे इस ओएस को, जो कि लॉलीपॉप 5.1.1 देगा आपको यूरेका में। तो अब हम मैंने वो लिंक जो है पैकेज का वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो लिंक यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम जाएंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या जो मैंने जो पैकेज इंस्टॉल किया है, जो रोम का फाइल इंस्टॉल किया है, वो मैंने इंटरनल स्टोरेज पर रखा है। ये देखिए CM12.1 का जो पैकेज है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप आपका जो पैकेज डाउनलोड करेंगे वो उसको इंटरनल स्टोरेज में ही रखें। अब हम रिकवरी में रिबूट करेंगे, और आप चाहे तो TWRP यूज़ कर सकते हैं, आप CWM यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ऑफिशियल साइनोजन की रिकवरी यूज़ करें, क्योंकि ये सेफेस्ट है, ये इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये ऑफिशियल साइनोजन का ये सब बात है। तो आपको अगर ऑफिशियल साइनोजन यूज़ करें तो ये अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम साइनोजन रिकवरी में हैं, और हम अब क्लिक करेंगे अप्लाई अपडेट में, और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इंटरनल स्टोरेज को, और फिर ये जीरो का जो फोल्डर है, अब देख सकते हैं कि CM12.1 जो एक फाइल है जो टोमेटो साइंड लिखा हुआ है। टोमेटो है यूरेका का कोड नेम। साइनोजन के वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यूरेका का कोड नेम है टोमेटो। देखिए एंड्रॉयड का लोगो है, उसके नीचे है जो प्रोग्रेस बार दिख रहा है आपको, इससे हम देख सकते हैं कि प्रोसेस कितना तक हुआ। अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये कम समय ले हम सब लोगों का। तो ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो कुछ टाइम लगेगा, आप ज़रा वेट कीजिए। देख सकते हैं कि जो इंस्टॉलेशन है रोम का वो हो चुका। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वाइप कैश पार्टीशन। आपको सब कैश पार्टीशन को वाइप करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई इस प्रोग्रेस बार दिख नहीं रहा, फिर भी हम फ़ोन को रख देते हैं ये, और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे ताकि ये कम समय ले। और ये देखिए ये हो रहा है, कुछ ही मिनटों में ये हो जाएगा, ज़रा बने रहिए हमारे साथ, और ये हो जाएगा। और देखिए ये हो चुका है, और अब हम लोग रिबूट करेंगे सिस्टम को, मेरी फ़ोन को रिबूट करेंगे। अब देख सकते हैं यू का लोगो है, लिखा हुआ है पावर्ड बाय एंड्रॉयड, और इसके बाद आएगा जो साइनोजन का लोगो है। ये देखिए साइनोजन का जो नया लोगो आया है, जो लॉलीपॉप के साइनोजन का, साइनोजन 12.0 रिलीज होने के बाद ये न्यू लोगो आया है साइनोजन का। और ये देखेंगे कि शायद साइनोजन लोगो ग्लो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि जो रोम हमने इंस्टॉल किया, जो साइनोजन 12.1 को हमने इंस्टॉल किया, वो अब इसके अंदर इनिशियलाइज हो रहा है। तो जस्ट थोड़ी वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए इस प्रोसेस को होने के लिए। मैं इस फ़ोन को रख देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ इस प्रोसेस के बारे में। आप ज़रूर आपका फ़ोन को 85% तक चार्ज, मिनिमम चार्ज कीजिए, क्योंकि अगर आपके बैटरी में उतना चार्ज नहीं है तो यह प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है शायद, और वो आपका फ़ोन को हार्मफुल हार्म कर सकता है, आपके फ़ोन को प्रॉब्लम दे सकता है। और आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड इज़ अपग्रेडिंग लिखा है, ऐप को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, जो प्रीवियसली जो मैंने प्रीवियस जो एप्स मैंने इंस्टॉल किया किया था, तो एंड्रॉयड को अपग्रेड कर रहा है। और मैं फ़ोन को फिर से रख दूंगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए, तब तक ये बहुत टाइम लेगा। तो
और भी जो बात है कि ये जो प्रोसेस है ये आप यूरेका यूरेका प्लस के लिए कर सकते हैं। ऑल्सो जो देखिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी जाती ताकि ये कम समय ले। और जो जो बैटरी है वो तो मैंने कहा है कि आप 80% के ज़्यादा रखें। और ये फ़ोन जो जो प्रोसेस है वो लगभग आपको 30 मिनट्स लेगा, तो डरने की कोई बात नहीं अगर ये प्रोसेस बहुत टाइम ले रहा है तो। और भी हैं जो आप इस जब प्रोसेसर प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको बहुत हीटिंग आएगी फ़ोन में, फ़ोन को हीटिंग होगा फ़ोन में, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम OS इंस्टॉल करते हो फ़ोन में तो ये होता है, न्यू रोम जब इंस्टॉल करते हो तो अब थोड़ा बहुत हीटिंग होता है, थोड़ा बहुत समय लगता है और बैटरी बहुत खाता है ये प्रोसेसर। तो इन तीनों बातों के बारे में ध्यान रखिएगा। और एंड्रॉयड इज़ अपग्रेडिंग अभी भी लिखा है, बहुत सारे ऐप को इसने ऑप्टिमाइज़ किया है 12.1 के लिए, और कुछ ही मिनटों में, शायद कुछ ही सेकेंड में हमें हमारा फ़ोन वापस मिल जाएगा। हम लोग फिर से यूज़ करते हैं कि यूज़ कर सकते हैं फ़ोन को। ये लगभग हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। एंड यस, हम लोग फिर से वापस आ चुका है। जो यूआई है इस फ़ोन का वो अब थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, बट डरने की कोई बात नहीं है। जो देखे ये साइनोजन का ऑफिशियल ब्राउज़र है कि ना, नहीं ये साइनोजन का ऑफिशियल ब्राउज़र नहीं है। और अब हम देखेंगे ये जो मेनू का, जो देख सकते हैं मेनू का जो व्यू है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट किया है साइनोजन ने, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। जो यूआई है वो लैग कर रहा है, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये यूआई लैग नहीं करेगा। मेरी फ़ोन में तो ये नहीं कर रहा अब तक, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा जो ये यूआई है। अब हम देखेंगे अबाउट फ़ोन में जाके, अब देख सकते हैं कि जो एंड्रॉयड का वर्जन है 5.1.1 का है, जो साइनोजन OS का वर्जन है वो है 12.1 YOG4 का कुछ है। ये देखिए लॉलीपॉप का जो एनिमेशन है, और देखिए जो लॉलीपॉप का गेम है, अब देख सकते हैं कि लॉलीपॉप का गेम, बट मैं ये अभी नहीं खेल रहा हूँ। ये वीडियो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम एंड्रॉयड 5.1.1 का फुल फुल रिव्यू देंगे आपको यूरेका में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हमसे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमको, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए अलविदा।